subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार साथियों, बड़ी खबर आ रही है। कोरोना संकट के बीच भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने बड़ा बदलाव किया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद से मनोज तिवारी को हटा दिया है। जी हां, अब उनकी जगह पर आदेश कुमार गुप्ता को दिल्ली बीजेपी की कमान दे दी गई है। इसका ऑफिशियल लेटर भी आ गया है। इस बाबत पार्टी महासचिव अरुण सिंह की ओर से आधिकारिक लेटर जो है वो जारी कर दिया गया और तत्काल प्रभाव से इसे लागू किया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बीजेपी अध्यक्ष को भी हटा दिया गया है। उनकी जगह पर विष्णुदेव साय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। मणिपुर में भी नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। जी हाँ, तीन जगह पर ये बदलाव हुए हैं। अब एस त्रिकेंद्र सिंह के हाथों में मणिपुर बीजेपी की कमान दे दी गई है। तीनों प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर हुई है। क्यों हुआ ये बदलाव वो आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। दिल्ली में बीजेपी को आम आदमी पार्टी के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी थी, जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बीजेपी को हराया था। इसके बाद दोनों प्रदेशों के बीजेपी चीफ को हटाने की सुगबुगाहट थी। मनोज तिवारी का गिर गया है अब फिलहाल विकेट, ये समझ लीजिए। दिल्ली चुनाव के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया था। इस बीच मनोज तिवारी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए देखे गए। इसके बाद मनोज तिवारी को पद से हटा दिया गया है। जी हाँ, अब आपको बताते हैं कि आखिर आदेश गुप्ता कौन है जो कि नए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होंगे। आदेश कुमार गुप्ता की पहचान जमीनी नेता के रूप में होती रही है शुरुआत से। वो पश्चिम पटेल नगर के पार्षद हैं। इसके अलावा नॉर्थ दिल्ली के मेयर भी रह चुके हैं। माना जा रहा है कि आदेश गुप्ता को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपने के बाद बीजेपी अब अपना पूरा फोकस एमसीडी चुनाव पर करने वाली है, क्योंकि वो पहले भी एमसीडी से जुड़े रहे हैं और उसका फायदा मिलेगा। अब आपको बताते हैं विष्णुदेव सहाय कौन है। छत्तीसगढ़ में पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय को बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया है। विष्णुदेव साय पहले भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। यह उनका तीसरा कार्यकाल होगा। इससे पहले 2006 से 2009 और फिर 2013 तक पार्टी की कमान उनके हाथ में रही थी। विष्णुदेव साय आदिवासी हैं। जी हाँ, फिलहाल जो आप कहिए कि जिस तरह का ये बदलाव देखने को मिला है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो यही है कि मनोज तिवारी ने उल्लंघन किया था कि इस वक्त जो कोरोना संकट के समय लॉकडाउन में प्रदर्शन करना, धरना करना बिल्कुल मना है, लेकिन मनोज तिवारी फिर भी केजरीवाल के खिलाफ धरने पर पहुंचे और उसके बाद फिर पार्टी को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा और आदेश गुप्ता को अब दिल्ली का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। तत्काल प्रभाव से इसे लागू कर दिया गया। जी हाँ, ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।